स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि एंजल्स आपको नेक्स्ट 15 डेज में क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, अगले 15 दिनों में आपको क्या ब्लेसिंग्स रिसीव होगी। ये रीडिंग कलेक्टिव प्लस टाइमलेस है, साथ ही साथ ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। थी था पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना और ध्यान देना कि ये रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे। मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। नेक्स्ट 15 डेज आपके जीवन में आपको क्या ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी और क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगी वो भी हम देखेंगे। थोड़ा सा गाइडेंस जरूरी है। ओके, सो चलो चेक करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त अपना नाम लो या अपने ईश्वर का नाम लो। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनको आप बहुत ज्यादा नजर आते हो या जो आपका नाम ले रहे हैं, प्लीज मुझे गाइड करें उनके लिए आप क्या ब्लेसिंग्स सर्व करने वाले हैं अगले 15 दिनों में। आइसोलेशन, सेलिब्रेशन, पोस्टपोनमेंट, वी आर द वर्ल्ड, सक्सेस, ट्रस्ट, पेशेंस, क्लिंजिंग टू द पास्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, एग्जिस्टेंस, माइंड। ओके, सो मुझे जो ब्लेसिंग्स के लिए दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों के साइन बता देती हूँ। मुझे आप लोगों के साइन दिख रहे हैं टॉरस, यहाँ पर लिब्रा है, एक्यूरस है, एरीस है, धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस है, कैंसर है और पाइसिस और वर्गो है। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे मिली है। और जो बर्थ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो 3 हो सकते हैं। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बर्थ नंबर्स में, या 6 हो सकता है। ठीक है, 6 और 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो काफी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में पिछले बहुत लंबे टाइम से आप खुद को आइसोलेट करके बैठे हुए हो। लाइक ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना, बात नहीं करना, या दोस्तों से भी या किसी से भी कनेक्टेड फील नहीं कर पाना, अंदर से हैप्पी फील नहीं कर पाना, हर चीज को लेकर ऐसे लाइक दुख होना कि हाय मेरी जिंदगी, हाय मेरी जिंदगी, मतलब ये तरीके की आपकी एनर्जी बन गई थी जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ परेशान हो, रो रहे हो, धो रहे हो अपनी एनर्जी में, बहुत ज्यादा ऐसे हो चुके हो कि बंद एक कमरे में बंद हो गए हो, कैद कर लिया है आपने अपने आप को। अंदर एक अजीब सी घुटन है, उस घुटन से आप बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हो। बहुत लंबा टाइम हुआ है कि आप इस एनर्जी में रहे हो जहां पर आप इस घुटन से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हो। आपके अंदर जितना भी चाहे कितना भी बेहतरीन आप काम कर लो, अपने ऊपर हीलिंग कर लो या अपने आप से सेल्फ लव कर लो, बट चीजें वर्क नहीं कर रही थी। नेक्स्ट 15 डेज में फाइनली आपके लिए चीजें वर्क करेंगी। आप आइसोलेशन से बाहर निकलेंगे, दोस्त लोगों के बीच में आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी, बॉन्डिंग होगी, काफी ज्यादा एक ऐसी एनर्जी बनेगी जहां पर आप लोगों के बीच में सोशलाइज करना शुरू करेंगे। इवन पॉसिबिलिटी है कि डेटिंग करेंगे या नए लोगों से मिलना शुरू करेंगे। आप इस आइसोलेशन की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। एक स्विच बटन है यहां से, देखो ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी, यहां कलरफुल जिंदगी, ये देखो यहां इस जिंदगी में आ रहे हो। आपके अंदर बहुत ज्यादा हायर लेवल की अवेकनिंग होगी, बहुत स्ट्रांग चेंजेस होंगे, बहुत स्ट्रांग चेंजेस। आप काफी ज्यादा ऐसी मूड में होंगे जहां पे आप हैप्पी फील करेंगे, एक्साइटेड फील करेंगे और बहुत ज्यादा अंदर से एक सेटिस्फेक्शन फील होगा कि यस फाइनली वी मेड इट, वो वाली एक एनर्जी आएगी जहां पे आप जो है फाइनली जो है कुछ चीजों को लेकर हैप्पी फील करोगे, सेटिस्फाइड फील करोगे। जिन लोगों की जिंदगी में बहुत लंबे समय से ऑब्स्टेकल्स चल रही थी, पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही थी, रिलेशनशिप बहुत खराब हो गया था या फाइनेंशियल जो है बेनिफिट्स नहीं हो रहे थे, फाइनेंसिस का लॉस, प्रॉब्लम्स, लव में प्रॉब्लम्स, तरीके से हर तरीके से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही थी, वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्राप्त करेंगे, फाइनली उसका कंक्लूजन प्राप्त करेंगे और अपनी उन प्रॉब्लम्स या पास्ट की इश्यूज से बाहर निकलेंगे और एक नया अध्याय शुरू होगा उनकी जिंदगी में। एक प्रकार का कंप्लीशन होगा और एक नई कहानी शुरू होगी। नई कहानी का मतलब ये नहीं है कि पुराने लोग पीछे छोड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर जो पुराने कड़वे समय को आप जो है, बहुत ज्यादा ऐसा समय चल रहा था जो डिफिकल्टीज हैं, बार बार कंक्लूजन नहीं मिल रही है, रास्ता नहीं दिख रहा है, आप रास्ते तक पहुंच नहीं पा रहे हो, लाइक सामने आपको मंजिल दिख रही है, डेस्टिनेशन दिख रही है, पर दिखकर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आपको हेल्पलेस फील कर रहे हो, तो फाइनली आप उस एनर्जी से बाहर निकल के आप अपनी मदद कर पाएंगे, आप अपने आपको सोल्यूशन दे पाएंगे, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। और जो डिफिकल्टी आपने मान के चलो अपनी रिलेशनशिप में फील की, उस रिलेशनशिप को कैसे बेहतर करना है और कहां प्रॉब्लम आई और कैसे चीजें ठीक होंगी, ये चीजों का रियलाइजेशन आपको बहुत स्ट्रांगली होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप अपने सॉल्यूशंस खुद प्राप्त करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या बेहतर करने की जरूरत है जिससे आपका रिश्ता या आपकी करियर में या आपकी फील्ड में आप बेहतरीन दिखा लाइक परफॉर्म कर सको। आप में से कुछ लोगों का वीजा अप्रूवल नहीं हो रहा था,
बाहर जाना था, विदेश जाना था या स्कॉलरशिप चाहिए थी, वो फाइनली मिल जाएगी नेक्स्ट 15 डेज के अंदर, वहां से गुड न्यूज आएगी। लेकिन यस, एफर्ट डालना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आपने ट्राई नहीं किया और बोलो अरे दीदी तो हुआ ही नहीं है तो ब्लेसिंग आई ही नहीं। तो यस, वो ब्लेसिंग आएगी, लेकिन आपका ट्राई करना जरूरी है। आपके पास के कुछ एफर्ट्स हैं जिसको लेकर आपने एंजाइटी ले रखी है, स्ट्रेस ले रखा है, आप ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चले गए, उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे और फाइनली आप अपने अंदर एक कंप्लीटेड एनर्जी को फील कर पाओगे, अपने अंदर एक बैलेंस एनर्जी को फील कर पाओगे। जहां तक मैं देख पाऊं आपकी एनर्जीज में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत लंबे समय से किसी तरीके की सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, मे बी इन अ रिलेशनशिप, मे बी इन करियर, या मे बी अपनी फैमिली में कोई हेल्थ को रिलेटेड, लेकिन वो सक्सेस आपको मिल नहीं रही थी। यूनिवर्स आपको इस वक्त ऐसी एक सिचुएशन में लाएगा जहां पर आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, फेथ आएगा, भरोसा बनेगा और आप जो है यूनिवर्स पे बिलीव करना शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज्यादा एक स्पिरिचुअल फेथ यानी कि स्पिरिचुअलिज्म आता दिख रहा है। आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल होंगे, आप और ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे आने वाले अपकमिंग डेज में। आप मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में अपकमिंग डेज में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे आएंगे और बहुत हाईलाइट होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा काम भी करेंगे यानी कि अगर सोशल साइट पे या कहीं डिजिटल मार्केटिंग में या वेबसाइट्स में या मे बी कंप्यूटर रिलेटेड, टेक रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या मे बी आर्मी या सोल्जर, इस तरीके की कोई भी फील्ड है या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, आप उसमें अच्छा खासा नाम करेंगे, लोग अचानक से आपको पहचानेंगे, बहुत ज्यादा लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। बट ध्यान रखना, ये आपके कर्मों के अनुसार होगा, कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा, ठीक है। यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके आपकी एक ऑब्स्टेकल जो आएगी आपके लिए, मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 15 डेज में, पास की छोटी छोटी बातें जो है उसको लेकर दोहराओगे, या तो कोई गलती दोहराओगे या पास की कोई बात जो है उसको लेट गो करने से इनकार करोगे। पास की कोई गलती, मान के चलो अगर आपके पार्टनर ने कोई बेवकूफी की थी, तो उस बेवकूफी का बार बार जो है सोच विचार करोगे और अपने अपने आप को तो परेशान करोगे और अपने पार्टनर को अलग जी का बोलते ना जंजाल दे दोगे कि वो परेशान हो जाएंगे। ये ऑब्स्टेकल होगी। यूनिवर्स कह रहा है पेशेंस रखना, पेशेंस रखो, रिएक्ट नहीं करना, ये ऑब्स्टेकल बन रहा है। ट्रस्ट करने को कह रहा है, वो कह रहा है बेहतरीन आपको मिलेगा, टेंशन नहीं करो, आपको बेस्ट मिलेगा। ये छोटी छोटी चीजों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर आप रिएक्शन देना बंद करो। आप अपने जिंदगी में पेशेंस रखो, अपने आप को होल्ड करो, अपने आप को संभालो, क्योंकि आपका रिएक्शन आपके आसपास की चीजें बिगाड़ सकता है, आपके आसपास की चीजें प्रॉब्लम में ला सकता है। इसलिए आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है, जो हुआ सो हुआ, उस पर मिट्टी डाल के आगे बढ़ने में ही फायदा है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपकी सेल्फ ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, आपकी सेल्फ ग्रोथ काफी ज्यादा होगी। आपको अपने वजूद का एहसास होगा, आपको रियलाइज होगा कि आप इस धरती पे क्यों हो, आप अपने लाइफ पर्पस को जानेंगे, आप अपने उद्देश्य को समझेंगे, आप अपने कार्य को करेंगे। आपका काम जो अभी तक प्रॉपर नहीं हो रहा था या जिसमें आपका नाम नहीं हो रहा था या जिसमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, वो रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई विश फुलफिलमेंट होगी, कोई इच्छा पूरी होगी। बट यस, याद रखना, ऑब्स्टेकल में दिख रहा है कि माइंड बहुत ज्यादा गेम्स खेलेगा आपके साथ। मन जो है, माइंड जो है, आपको कोई छोटी छोटी बात को बार बार याद दिलाएगा और ये डेविल साइड का माइंड होगा, ये डेविल साइड का माइंड होगा। अपने अंदर दो सोल्स होते हैं, कई बार हमने पिक्चरों में देखे ना, प्योर और डेविल, तो ये डेविल साइड का माइंड होगा जो आपको बार बार बोलेगा अच्छा तेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तेरे साथ गलत हो रहा है, देख तेरे से लोग प्यार नहीं करते, लोग तेरे को ऐसे डिस्करेज कर रहे हैं। यानी कि आप जो है डेविल साइड के माइंड को ज्यादा सुनना शुरू कर देंगे, वो मत करना। इसको लेकर आपको पछतावा हो सकता है, आपको लग सकता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि बाद में इस बात का रिग्रेट होगा। छोटी छोटी चीजों पे फोकस करने की जगह बड़े पिक्चर पे फोकस करो और अपने माइंड को शांत करना या कंट्रोल करना कैसे है, इस चीज को प्रैक्टिस ज्यादा करो। मैं एक और डेक निकाल रही हूं वेट, क्योंकि अब ये ब्लेसिंग्स की एनर्जी है ना, तो मुझे लगता है कि ये डेक भी ओपन करना चाहिए। यूनिवर्स मुझे पता है क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को नेक्स्ट 15 डेज के लिए। ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट लॉसिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। देखो, हमेशा याद रखो, जितना मातम मनाओगे किसी चीज का कि हाय मेरी जिंदगी से ये निकल गया, वो हो गया, उतना ही जिंदगी में और मातम का माहौल क्रिएट करोगे। इसलिए अपने जिंदगी में अगर हैप्पी रहना चाहते हो, बहुत ज्यादा मुस्कुराना चाहते हो, तो सबसे पहले इस मातम के माहौल को बाहर से निकालो, अपनी जिंदगी से। रोना बंद करो, जो हो गया सो हो गया, उससे तुमने एक्सपीरियंस लिया, उससे तुमने कुछ सीखा, कुछ नया जाना, कुछ अपने बारे में सीखा, कुछ लोगों के बारे में सीखा, उससे समझदारी से पेश आओ, मैच्योरिटी दिखाओ और उसे छोड़ के आगे बढ़ना सीखो, ठीक है।
दूसरा प्रिजर्व वंस, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट इन माई माइंड. याद रखना, जो आप सेट करोगे माइंड में आप वो प्राप्त करोगे. अगर आपका माइंड ये मान चुका है कि मैं हार रहा हूँ, मेरी जिंदगी में सब कुछ फेलियर है, प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, दुख ही रहेंगे, वही चीजें आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएंगी. याद रखो, अपने माइंड को आपको खुद सेट करना है. आई नो दैट आई कैन डू, आपको हमेशा ये याद रखना है, येस मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है. तो आप जो भी, जब ऐसा सोचेंगे आपके जीवन में सब कुछ फिर बेहतरीन ही होगा. आप सच में कर पाएंगे और आपकी जिंदगी में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होगी. ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग. अगर रीडिंग पसंद आई मसवाला, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर डालें. अगर आप लोगों को ब्रेसलेट बनवाने हैं, अमित सर का नंबर मैंने वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है. दी बेस्ट पर्सन जहां से आप बेस्ट प्योर फॉर्म जो है आप ब्रेसलेट बनवा सकते हैं. ये व्यक्ति आपको क्लिंस करके देते हैं, एनालाइज करके देते हैं, और ये आपको कोई भी झूठी बात नहीं कहते, कोई भी शुगर कोटेड बातें नहीं करते, सीधी बात, नो बकवास. जो कर सकते हैं वो करेंगे और वो आपको कोई झूठा आश्वासन नहीं देंगे. याद रखना, ये आपको कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं. अगर आप करियर में कहीं स्टक हो गए हो, नेम एनालिसिस करवाना चाहते हो, फाइनेंस का करवाना चाहते हो, डेफिनेटली दे ही विल हेल्प यू फॉर श्योर. द बेस्ट पार्ट इज कि ये बंदा बहुत ज्यादा सच के साथ रहता है, सच्चाई से पेश आता है और बेस्ट ही चीज देता है. इस इंसान का मानना है कि ब्रेसलेट एक ऐसी चीज है, क्रिस्टल्स एक ऐसी चीज है जिसको अनटच करने की जरूरत है. मतलब कोई भी पहनना नहीं चाहिए, उसे बंदे तक पहुंचने से पहले किसी को टच नहीं करना चाहिए, और उसकी प्रॉपर क्लिंजिंग होनी चाहिए, उसकी पूजा होनी चाहिए. उसकी पूजा होने के बाद उसकी एनर्जी के अनुसार उसे डिजाइन करना चाहिए, ताकि उसकी लाइफ में उसे कभी बाद में हार्म ना हो, प्रॉब्लम ना हो, उसकी लाइफ में वो इस चीज के लिए ग्रेटफुल फील कर सके. ठीक है, सो मेन चीज होते हैं, एक तो हम होते हैं मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म ले आते हैं, और साथ में साथ ये भी छोटी छोटी एलिमेंट्स हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा रोल प्ले करते हैं. तो जहां से प्योर मिल सकता है उनका नंबर मैंने डाल दिया है वीडियो पे, हाईलाइटेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर है, आप उनसे निकाल के व्हाट्सअप कर सकते हैं. साथ ही साथ मेरी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो पे मिल जाएंगे, चाहे इंस्टाग्राम हो या मेरे दूसरे चैनल्स हो या अकाउंट हो या मेरी पर्सनल रीडिंग्स हो, सबकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. ठीक है, सो आप गो थ्रू कर सकते हैं. ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई मेरा फोटो दिखाकर ये बोल रहा है कि मुझे कॉन्टैक्ट करे, तो वो मैं नहीं हूं, वो कोई स्कैम है, उनकी बातों पर विश्वास ना करें. ठीक है, वो कोई और है जो बेवकूफ बना रहे हैं. मेरी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो पे ही मिलेंगी. ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही. अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम.